हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो आपने कभी यूट्यूब पे देखी होगी ना सुनी होगी। दोस्तों, अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे घर बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ घर बनाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, घर बनाने का आप सोच रहे हैं तो आप यही भी सोचेंगे कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने पड़ेंगे घर बनाने के लिए। तो ये वीडियो में दोस्तों ये सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, घर बनाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने पड़ेंगे। जैसे कि हाउस प्लान आपको तैयार करना पड़ेगा अच्छे से आर्किटेक्ट या फिर प्लानर के पास से। उसके बाद आपको उसकी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करानी पड़ेगी, ठीक है, और एलिवेशन उसका बनाना पड़ेगा कि सामने से वो कैसे दिखेगा, उसका 3D मॉडल रेडी कराना पड़ेगा, ये सब ऑप्शनल है, ठीक है। देन उसका एस्टिमेट निकालना पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल कितना यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना खर्च हो रहा है। तो ये जो सारे पॉइंट है दोस्तों, मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि ये सारी चीज़ें है क्या दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हाउस प्लान से। दोस्तों, घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको रेडी करना पड़ेगा घर का नक्शा, ठीक है। आपका जो भी प्लॉट का साइज़ है उसके मुताबिक आपको एक प्लान रेडी करना पड़ेगा आर्किटेक्ट या फिर प्लानर के पास जाके। जैसे कि आपका जो प्लान है वो रेडी करने के लिए आपको क्या डिटेल्स देनी पड़ेगी, तो आपको जो है आर्किटेक्ट को देना पड़ेगा कि मेरा जो प्लॉट साइज़ है वो देनी पड़ेगी, और उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि आपको एक लिविंग रूम चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको दो बेडरूम विद अटैच WC, राइट, बाथ WC। तो देखिए, यहाँ पे एक बेडरूम है, ये अटैच टॉयलेट, यहाँ पे बेडरूम है, ये अटैच टॉयलेट, ठीक है। उसके बाद आपको एक डाइनिंग रूम चाहिए, फिर किचन चाहिए, पार्किंग चाहिए। तो ये जो आप रिक्वायरमेंट देंगे उसके हिसाब से आपको आर्किटेक्ट या फिर प्लानर है वो आपको एक प्लान रेडी करके देगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हम क्या करेंगे, घर का नक्शा मतलब हाउस प्लान रेडी करना होता है, ठीक है। देन सेकेंड है, उसके बाद वो हाउस प्लान होगा तो वही आर्किटेक्ट आपको इलेक्ट्रिकल प्लान भी रेडी करके देगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल प्लान के हिसाब से आप इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट भी दोस्तों अलाउड कर सकते हैं। उसके बाद प्लम्बिंग का जो प्लान है कि प्लम्बिंग के जो है पाइप्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, वो भी दोस्तों एक अलग प्लान होता है, ठीक है। तो वो भी एक रेडी करना पड़ेगा प्लान के अंदर। उसके बाद है स्ट्रक्चरल डिटेलिंग। अब स्ट्रक्चरल डिटेलिंग है क्या, तो स्ट्रक्चरल डिटेलिंग में क्या होता है, पूरा जो स्ट्रक्चर है आपका घर है उसकी डिज़ाइन होती है, कॉलम बीम की डिज़ाइन होती है, फाउंडेशन की डिज़ाइन होती है, जिसके अंदर दोस्तों लोकेशन ऑफ कॉलम, यहाँ पे देखिए कॉलम के जो लोकेशन है वो आएंगे। उसके बाद साइज ऑफ कॉलम बीम की जो साइज आ जाएंगी, देखिए यहाँ पे दिया है फुटिंग की साइज, फाउंडेशन डिटेल आएगा, फिर रेनफोर्समेंट डिटेल आएगा। रेनफोर्समेंट डिटेल मतलब कॉलम में कौन सा mm का डायमीटर का स्टील लगेगा, उनकी स्टीरअप कितने mm की लगेगी, उनका स्पेसिंग क्या रहेगा, प्लिंथ की डिटेल आ जाएगी, वर्किंग प्लान आएगा, फाउंडेशन प्लान आएगा, ठीक है, सेंट्रल लाइन प्लान आ जाएगा। उसके बाद स्टेयर रेनफोर्समेंट डिटेल मतलब जो स्टेयर कैसे है उसकी भी रेनफोर्समेंट डिटेल आएगी, स्लैब की रेनफोर्समेंट डिटेल आ जाएगी, स्लैब को हमें वन वे बनाना है, टू वे बनाना है, उसमें स्टील कौन से लगेंगे, बेंट अप बार जो है वो उसका डायमीटर क्या होगा, ये सारी डिटेल दोस्तों स्ट्रक्चरल डिटेलिंग में आती है या फिर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में आती है। तो ये आपको सेकेंड डॉक्यूमेंट है वो रेडी करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है एलिवेशन। आपको आपका जो प्लान बनेगा उसके हिसाब से एक अच्छा सा एलिवेशन आपको रेडी करना पड़ेगा, बिकॉज एलिवेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एनहेंस द ब्यूटी ऑफ हाउस एंड इट्स ओनली द पार्ट ऑफ पीपल कैन सी फ्रॉम आउटसाइड। दोस्तों, एलिवेशन ही एक चीज़ है जो घर के बाहर से लोग देख सकते हैं। घर के अंदर आपका कितना भी अच्छा मतलब इंटीरियर या फिर बहुत अच्छा प्लान हो, बट घर का जो बाहर का लुक है दोस्तों वो तो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो पहले नज़र आता है, ठीक है। तो एलिवेशन अच्छा सा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है दोस्तों उसका 3D मॉडल। अभी ट्रेंड चल रहा है कि जो भी घर बनता है तो वो लोग देखना चाहते हैं कि उनका घर बनने के बाद कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये डिटेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 3D मॉडल जो है वो आजकल लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं। उसके बाद देखिए, इस तरह से भी फ्लोर प्लान है दोस्तों, उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, फ्लोरिंग का जो 3D मॉडल वो रेडी करते हैं कि एक्चुअल में बन के कैसे दिखने वाला है। ठीक है दोस्तों, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है दोस्तों 3D मॉडल मतलब 3D में कैसा लगेगा, तो ये भी दोस्तों एक अलग चीज़ है, ये भी आप बना के देख सकते हैं, ऑप्शनल है, राइट दोस्तों। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा जो बजट है तो आप इस तरह से 3D मॉडल रेडी करके भी देख सकते हैं कि आपका घर बन के कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है
एस्टीमेशन दोस्तों, एस्टीमेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आपका घर बनने वाला है ठीक है, उसमें कितना खर्च आएगा, कौन सा मटेरियल कितना यूज़ होगा, वो सारी डिटेल दोस्तों एस्टीमेशन में आ जाएगी। तो एस्टीमेशन में क्या होगा, फुल डिटेल एस्टीमेशन ऑफ मटेरियल लेबल, मतलब पूरा डिटेल एस्टीमेट होगा जिसके अंदर अगर आप एग्जाम्पल ले लें तो कॉन्क्रीट की कितनी क्वान्टिटी होगी।